अशोभनीय व्यवहार किया और वो उठकर चले गए। ये बहुत ही गलत एक तरीका है। पब्लिक हेल्थ ने पूरे शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस गाल में मतलब लैंड डालूंगा, इसे मना डालूं, तेरे के पेट में दर्द है और मेरे वहां जाके देखो आप ही कितने गड्ढे हैं। इलेक्शन के लिए भी पैसा आ जाएगा, दूसरी जगह के लिए भी पैसा आ जाएगा, लेकिन जो आपके यहाँ शहर के अंदर जो काम है ना वो सारे अधूरे पड़े हुए हैं। रोहतक नगर निगम में आयोजित सदन की बैठक में जमकर बवाल हुआ। बैठक शुरू होते ही पार्षदों के साथ पब्लिक हेल्थ विभाग के कर्मचारियों का विवाद हो गया, जिसको लेकर पब्लिक हेल्थ विभाग के कर्मचारियों ने सदन का बहिष्कार कर दिया और वहां से उठकर चले गए। सदन की कार्रवाई में खलल देख पार्षदों ने भी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 3 बजे तक चलने वाला सदन मात्र 12:30 बजे ही सिमट गया। अभी जो है पब्लिक हेल्थ के कार्यों के बारे में उन अफसरों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था और इस पर उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा और उन्होंने अशोभनीय व्यवहार किया और वो उठकर चले गए। ये बहुत ही गलत एक तरीका है, क्योंकि अफसरों को अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए और चाहे कोई पार्षद की बात है, चाहे डिप्टी मेयर की, सीनियर डिप्टी मेयर की, मेयर की, कमिश्नर साहब की, हर अफसर को जवाबदेही के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी वो मीटिंग में आए और जवाब दे, ना के अशोभनीय तरीके से उठकर बाहर चला जावे। इसकी हम शिकायत आदरणीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से भेज रहे हैं ताकि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री साहब, इस तरह से वॉकआउट कर दिया गया, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग कहे या फिर नगर निगम कहे, सभी से जनता परेशान है, तो आगे किस तरह की कार्रवाई रहेगी और क्या जनता की समस्याओं का समाधान? कल फिर मीटिंग होगी, कल 12 बजे की मीटिंग है, तो उसमें हम यही करेंगे कि क्या स्टेप उठता है और उनके जो SC साहब थे आज बाहर गए हुए थे, कल उनको ही बुलाएंगे यहाँ ताकि वो अपना स्पष्टीकरण दें। पार्षद आरोप लगा रहे हैं कि उनके काम ही नहीं हो रहे, तो फिर फायदा क्या है इस बैठक? अब ये तो तकलीफ तो है, लेकिन ये सारी बात की तकलीफ जो है कोरोना के कारण जो है फंड्स की कमी होने की वजह से काम ठीक तरीके से नहीं हो रहे हैं। अब शायद कोई उम्मीद है कि भाई कोरोना से होने के बाद कराएंगे। काफ़ी लोग अपनी शिकायत लेकर बाहर आए लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया, ऐसे में कैसे काम चलेगा? काफ़ी बाहर नहीं आने, अंदर नहीं आने दिया, बाहर काफ़ी लोग अपनी शिकायतें लेकर यहाँ पर पहुँचे थे। नहीं, हाउस की मीटिंग में देखो जनता के लोग जो हैं वो कभी भी कमिश्नर साहब से मिले हैं, मेरे से मिले हैं, लेकिन हाउस की मीटिंग के अंदर तो अगर सब आएंगे, वैसे तो प्रोटोकॉल के हिसाब से और भी कम आना था, इसीलिए ऊपर से हमने बड़े हॉल में मीटिंग की है ताकि जो प्रोटोकॉल कहता है उसके हिसाब से मीटिंग हो। अच्छा, MP और MLA को भी आना था, वो लोग मिल गए? वो मैसेज तो दिया है, आएंगे। पार्षदों ने आरोप लगाया कि अधिकारी उनकी शिकायतों की सुनवाई नहीं करते हैं। वहीं कुछ का कहना था कि निगम हमेशा पैसे का रोना रोता है, जिस कारण उनके क्षेत्र में काम प्रभावित होते हैं। वहीं कुछ पार्षदों ने तो यहां तक कह दिया कि निगम में पैसों की बंदराट होती है। ये जो आज हमारी हाउस की जो मीटिंग चली हुई थी, ये 28 सितंबर को मीटिंग हमारी पोस्टपोन हुई थी, उसके बाद आज मीटिंग हुई थी, बड़े महत्वपूर्ण एजेंडे थे और उनके ऊपर डिस्कशन चल रहा था और उस डिस्कशन के ऊपर ये था कि पब्लिक हेल्थ के बारे में जब बातचीत आई तो हमारे जो सीनियर मेयर डिप्टी मेयर हैं उन्होंने एक बताया कि भी इस तरह से फलां जो ऑफिसर है उसका व्यवहार ठीक नहीं था, मैं पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और उसको फिर दूसरे एक हमारे पार्षद जी ने भी यही कहा कि मेरे साथ भी इसका व्यवहार ठीक नहीं था। तो भाई चलो, अगर व्यवहार ठीक नहीं था वो बात भी चलो देखी जाए, लेकिन अगर मीटिंग को बगैर जो है ना चेयर को अनुमति लिए हुए अधिकारी का इस प्रकार से मीटिंग छोड़ के चला जाना, ये और भी ज़्यादा अशोभनीय बात। अगर कोई बातचीत होगी थी, वाद विवाद था किसी प्रकार का, वहाँ सुलझाया जा सकता था, गलती मानी जा सकती है, मेरे से भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन मीटिंग को यूँ छोड़ के अधिकारी बैठे हुए हैं, कमिश्नर बैठा हुआ है, मेयर साहब बैठे हुए, फिर ये हाउस किस लिए है अगर इस प्रकार से मीटिंग छोड़ के अधिकारी चले जाएंगे? मीटिंग छोड़ दी गई वो अलग बात है, लेकिन पार्षदों के काम नहीं हो रहे हैं, पैसा नहीं है, बजट की हमेशा समस्या बनी रहती है, उसको लेकर क्या करेंगे? ये बिल्कुल सही बात है, दूसरे कामों के लिए इनके पास पैसा है, इलेक्शन के लिए भी पैसा आ जाएगा, दूसरी जगह के लिए भी पैसा आ जाएगा, लेकिन जो आपके यहाँ शहर के अंदर जो काम है ना वो सारे अधूरे पड़े हुए हैं। ये जान पूछ के, क्योंकि ये शहर जो है ना यहाँ MLA विरोधी पार्टी का है, इसलिए यहाँ पैसे की जो है वो आप यूँ कह लोग भी नहीं दिया जा रहा है। मोटा कारण तो मैं आपको ये बता दूंगा कि यहाँ जो है ना इसीलिए पैसा रिलीज नहीं हो रहा है, पैसा रिलीज नहीं होता या बंदरबाट हो जाती है।
बस बंदरबाट कह लो आप, जहाँ जो है ना जो अधिकारी चाह रहे हैं वहाँ जो है ना काम होने लग रहा है। अब सारे देखो ना, ये हम इतनी बड़ी बड़ी फाइल लेकर आए हुए हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे पास सबसे पौष इलाका है सेक्टर का, सेक्टर 1, 2, सेक्टर 14 ऑफिसर कलोनी भी मेरे पास ही है। और मेरे वहाँ जाके देखो आप इतने गड्ढे हैं वहाँ, इतने भारी भारी, और मैं हर बार संज्ञान में लेकर आता हूँ, पार्कों के अंदर बहुत भारी दुर्गति है, कहीं कोई काम ही नहीं हो रहा किसी प्रकार का। बंदर हैं वो खाने लग रहे हैं वहाँ बच्चों को, वहाँ जो है ना जो स्ट्रे कैटल हैं वो ऐसे घूमने लग रहे हैं, वहाँ डॉग्स के बारे में उन्होंने कहा था सेटेलाइज कराएंगे ना, वो डॉग सेटेलाइज हो रहे हैं। तो शहर के अंदर कौन सा काम है, कोई काम हो ही नहीं रहा किसी प्रकार, 3 साल तो निकल गए, अब ये और क्या करेंगे बताओ, 3 साल के बाद क्या काम होगा, कुछ काम नहीं हो रहा है किसी प्रकार का भी काम, इसलिए ये लोग हताहत हो कहने जाने लग रहे हैं यहाँ से, और क्या करें। माननीय मेयर साहब हमारे शिरोमणि है, ये एक हाउस निगम एक परिवार है, वो हमारे मुखिया हैं, कोई हमारे मुखिया की हमारे ही घर में आके बेइज्जत करके चला गया तो हमारा क्या फ़र्ज बनता है, आप बताएं। कोई आपके घर पे आके आपके परिवार के मुखिया को ही बेइज्जत करके जाएगा तो कुछ ना कुछ कदम तो आपको भी लेना पड़ेगा अपनी इज्जत अपनी मर्यादा को बचाने के लिए। बयान पे आप कायम रहेंगे, कल ऐसा होगा अगर कार्रवाई नहीं की जाती? अगर कार्रवाई नहीं की जाती, मेयर साहब हमारे को कमिश्नर साहब और मेयर साहब ये कहें कि भाई हमने अपनी कोशिश कर ली, कार्रवाई नहीं हुई, फिर हम पार्षद भाई हम अपनी जुबान पर कायम रहेंगे, हम अपनी एकता दिखाएंगे। दे देंगे सभी मिलके, दे देंगे जी, इस्तीफा लोगे जी, इस्तीफा भी दे देंगे, वो तो जब प्रशासन को और सरकार को देखना है कि भाई उनको आम जनता का कितना ख्याल है, आम जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनकी इज्जत का कितना ख्याल है, रोहतक के मेयर साहब की इज्जत का कितना ख्याल है, रोहतक के कमिश्नर साहब की इज्जत का क्या ख्याल है, या सिर्फ उन 4 अफसरों की ज़रूरत है कि भाई वो अपनी मनमानी करें, वो सबको ये कि मेरे मन से जो मेरे मन में आएगा काम करूँगा, किसी से पूछ के थोड़ी करूँगा। सीनियर डिप्टी मेयर ने बताया कि निगम के पास बजट कम है जिस कारण वार्डों में काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन इलेक्शन के लिए बजट कहां से आता है इस सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं है कि ना मानने वाली ये बात थी नहीं, बाकी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे जो अफसर हमारे बीच में भेजे गए हैं, पब्लिक हेल्थ ने पूरे शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं कच्चाबी रोड जो अभी स्वर्गीय सुंदर सिंह सहगल समिति मार्ग के नाम से जाना जाता है, उस पर भी मैंने अभी 4 बार तो खुद गया, और उसके बाद मेयर साहब पर मैं मौका देख करके आए। सीवरेज की समस्या के लिए मैंने इनको 4 बार फ़ोन करके कहा, उसके बाद भी अभी सुनवाई वहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं। आज मिसबिहेव के रूप में हमारे डिप्टी मेयर अनिल कुमार जी के साथ मिसबिहेव हुआ, हमारे पार्षद सोनील जी के साथ मिसबिहेव हुआ, तो ऐसे प्रशासन के साथ हमने रख के करना क्या है। हमने सभी पार्षदों ने हमारे को लिख के दिया है, इनके खिलाफ डिप्टी मेयर ने साइन किए, मैंने साइन किया, मेयर साहब ने साइन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है, और ऐसे जो पिछले एजेंडे हैं उसके लिए कल 12 बजे तक मीटिंग स्थगित कर दी गई है। आज माननीय उड़ीसा के राज्यपाल माननीय गणेशी लाल जी माननीय मेयर साहब के निवास स्थान पर 4:30 बजे करीब पहुँच रहे हैं, तो अभी समय भी हो चुका था, और कल के लिए 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। आज उनके खिलाफ अभी जो फैक्स लेटर है वो टाइपिंग हो करके सभी पार्षदों ने साइन करके दे दिए हैं, और डिप्टी मेयर ने भी और सीनियर डिप्टी मेयर ने भी और मेयर सभी के सभी ने पूरे हाउस ने लिख कर दिया है इसके खिलाफ, क्योंकि सभी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसका मिसबिहेव जो है सुनने में सभी पार्षदों द्वारा, चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, सभी के साथ दुष्व्यवहार करता है ऐसे व्यक्ति के साथ। तो मैटर को ना नहीं नहीं उसमें नहीं नहीं पक्ष के पार्षदों की बात कर रहे हैं। बिना बजट बैठक हो रही है, नया कोई विकास कार्य करवाने के लिए अगर कोई पार्षद कहता है तो बजट नहीं है। ठीक बात है, पार्षद जो काम कहते हैं उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक बात है, ऐसा है कि बैठक छोड़ के चले तीसरी, जाते हैं। तीसरी, तीसरी 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 एक्चुअली क्या है कि तीसरी कोरोना की लहर हमारे बीच में आ गई, और आप स्वयं इसके आपके सामने ही है, तो पहले की लहर के बाद दूसरी लहर, दूसरी बात अब तीसरी लहर, तो सरकार के अंदर पैसे की फंडिंग की तो आप समझते हैं कि पूरी कमी है ही, और जितना भी हमारे पास जो फंड आ रहे हैं पिछली जो जैसे 15-15 लाख रुपए के टेंडर या 20-20 लाख रुपए के टेंडर सभी पार्षदों को दिए गए थे पीछे जो लगे, लेकिन वो कम है बजट के हिसाब से। जब हमारे यहाँ से इलेक्शन में फंडिंग कहाँ से आती है, ये यूपी बिहार ये इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्या निगम के लिए फंडिंग नहीं है, कोई वो वहाँ पर तो ये तो देखो जी, वो तो मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, ये तो जो प्रतिनिधि खड़ा होता है वो कहेगा, लेकिन लेकिन हमारे पार्षद साथी हैं सारे के सारे, बीच में इन्होंने लिख के दिया था तो हमने उस बात को आगे फॉरवर्ड कर दिया है। अधिकारी इतने उसमें हैं आके किसी की बात सुनना ही पसंद नहीं करते, ना आम जनता की ना जनप्रतिनिधि की,
आज से 15-20 दिन पहले मैंने एक्शन रोहित शर्मा से फ़ोन पर बात की कि भाई मेरे वार्ड में मेन गली में ढक्कन टूटा हुआ है और किसी भी टाइम कोई भी हादसा हो जाएगा। और मैंने बड़ा उनको सरल स्वभाव से कि मैं अनिल कुमार डिप्टी मेयर नगर निगम रोहतक वार्ड नंबर 21 से पार्षद हूँ और भाई साहब इसी तरह बात है। बोला भाई कह मेयर हो हैं जिस तरह उसने पूरा मेरा पूरा बायोडाटा लिया। मैं बोला भाई एक मेयर हो है मनमोहन गोयल जी हैं सीनियर डिप्टी मेयर होता है, एक राजकमल सहगल जी हैं डिप्टी मेयर मैं हूँ और इनके अलावा 23 पार्षद हैं टोटल हमारा 26 पार्षदों का 26 पार्षदों का हमारा निगम है। वही बता रहा हूँ मैं तो उसमें आज मैंने उनको कहा आग भाई के जब हम आराम से पब्लिक की बात आपके आगे रखते हैं तो आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहता, तो हाउस के अंदर एक्शन साहब का कमिश्नर साहब के आगे मेयर साहब के आगे एक उसके उनका व्यवहार ऐसा बनिया था आपके आगे है एक लैंग्वेज यार कह के बोल रहा। दूसरी बात दूसरा हमारा साथी पार्षद बोला भाई मैं भी गया था ऑफिस में उसको कह रहा है कि इस गाड़ में मतलब लाइन डालूंगा इसे मना डालूं तेरे के पेट में दर्द है मैं तेरे के मतलब अपनी मर्जी तो डालूंगा। तो एक अधिकारी का इस तरह का व्यवहार ऐसा बनिया है इस में हमने फिर भी हम बैठे रहे वो आज भी पूरे हाउस की कमिश्नर साहब की मेयर साहब की सब पार्षदों की हाउस की गरिमा को ठेस पहुँचा के वो हाउस का बहिष्कार कर चले गए। जनप्रतिनिधि का तो चलो ठीक है एक अधिकारी का हम मांग ये करते हैं कि जो भी अधिकारी हाउस का बहिष्कार करके अपनी गरिमा को ठेस पहुंचा गए हैं उनको ऊपर माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं इनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी भाई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आम जनता के हितों के ऊपर का काम हो। पूरे बवाल पर जब हमारी टीम ने पब्लिक हेल्थ विभाग के आरोपित एक्सीएन से इस बारे में पूछना चाहा तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया जिससे साफ है कि अधिकारी अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब सदन की कार्यवाही में इस तरह से हंगामा हुआ हो। इससे पहले भी कई बार नगर निगम की बैठकें स्थगित होती रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अधिकारियों और पार्षदों की आपसी विवादों के बीच बेचारी आम जनता और उनके सवालों को ही पिसना पड़ता है।